आज हम लोग भौतिकी में कक्षा 12 के लिए उत्तल अपवर्तक का पृष्ठ पर अपवर्तन N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर N2 माइनस N1 बटा R सिद्ध करेंगे, जो NCERT बिहार बोर्ड एवं यूपी बोर्ड के लिए उपयोगी है। वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर खटिया गोपालगंज। आज हम लोग भौतिकी में कक्षा 12 के लिए उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र डिराइव करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब हम यहाँ पर आपको हम लोग देखेंगे कि उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन का क्या सूत्र होता है। यहाँ S1 और S2 एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है, N1 और N2 दो अपवर्तनांक है, बिंदु O पर एक बिंदुवत रूप में वस्तु है जिसका प्रतिबिंब I बनता है। तो यदि इस उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन द्वारक छोटा हो तो त्रिभुज O यानी M में O यान यम में अल्फा बराबर टैन अल्फा एन एम बटा यम ओ लंब बटा आधा। त्रिभुज आई यान यम में आई यान यम में टैन बीटा बराबर टैन बीटा बराबर एन एम बटा यम आई। त्रिभुज यान यम यान सी एम में गामा बराबर टेन गामा यान एम बटा एम सी। यदि हम त्रिभुज ओ यान सी में देखें, ओ यान सी में तो आई आई यह बहिष्कोण है और बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, आई बराबर गामा प्लस अल्फा। त्रिभुज आई यान और सी में देखे तो बहिष्कोण आर बराबर बीटा प्लस गामा। स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर बराबर एन टू बटा एन वन। हम लोग जानते हैं कि स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर बराबर अपवर्तनांक एन टू बटा एन वन। एन वन मल्टीप्लाई करें तो एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर। यदि कोण बहुत छोटा हो तो साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर, एन वन आई बराबर एन टू आर। समीकरण एक में आई और आर का मान रखने पर अब इसके पहले आई बराबर अल्फा गामा प्लस अल्फा और आर बराबर गामा प्लस बीटा बताया गया था, सिद्ध किया गया था वह। तो समीकरण एक में रखने पर एन वन आई आई का मान अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा एन टू आर का मान गामा प्लस बीटा मल्टीप्लाई करें एन वन गामा प्लस एन वन अल्फा इक्वल टू एन टू गामा प्लस एन टू बीटा। एन टू बीटा को इधर लाते हैं तो माइनस एन टू बीटा प्लस एन वन अल्फा बराबर एन टू गामा, इसको उधर ले जाता है तो माइनस एन वन गामा, गामा को कॉमन ले ले एन टू माइनस एन वन, एन टू बीटा प्लस एन वन अल्फा बराबर गामा एन टू माइनस एन वन। समीकरण नंबर दो। समीकरण दो में अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखने पर माइनस एन टू बीटा प्लस एन वन अल्फा बराबर गामा एन टू माइनस एन वन। समीकरण दो था माइनस एन टू बीटा का मान एन एम बटा एम आई प्लस एन वन अल्फा का मान एन एम बटा एम ओ इक्वल टू गामा का मान एन एम बटा एम सी एन टू माइनस एन एन एम और एन एम कॉमन ले ले तो माइनस एन टू बटा एम आई प्लस एन वन बटा एम ओ इक्वल टू एन एम बटा एम सी एन टू माइनस एन एन एम और एन एम को कटा देते हैं। यदि उत्तल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तो यम बिंदु पी के पास होगा, अतः माइनस एन टू बटा एम आई प्लस एन वन बटा एम ओ एन टू माइनस एन वन बटा एम सी माइनस एन टू बटा एम तो में पी पी आई प्लस
n1 बटा m इक्वल टू p, po इक्वल टू n2 माइनस n1, mc बदले में pc। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से n2 बटा pi प्लस n1 बटा po इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा pc। अब हम चिन्ह परिपाटी से देखें तो pi प्रतिबिंब की दूरी माइनस b, po वस्तु की दूरी माइनस u, क्योंकि यह प्रतिबिंब जो रेखा बन रही है वह विपरीत दिशा में है, पीओ माइनस में होगा, पीआई भी माइनस में होगा और पीसी धनात्मक दिशा में है, पीसी इक्वल टू आर। एन टू बटा माइनस बी प्लस एन वन बटा पीओ का मान माइनस यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन, पीसी का मान आर। माइनस से माइनस कटेगा, एन टू बटा बी माइनस एन वन बटा यू बराबर एन टू माइनस एन वन बटा आर, जो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। यदि प्रथम माध्यम वायु हो तो n1 इक्वल टू 1 और द्वितीय माध्यम वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो n2 इक्वल टू n, n बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटा r। इस प्रकार उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होगा n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।